थैंक यू. अवार्ड सारे स्पेशल होते हैं. अवार्ड रिसीव करना एक एक्टर को हमेशा ही अच्छा लगता है. मैं बता दूं कि मैं थी हैदराबाद में और जब मुझे ये पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, यू नो, हम टेलीविजन में बहुत सारे फ्लैशी अवार्ड्स नाइट होते हैं, है ना, बहुत सारे फ्लैशी इवनिंग्स, स्टारी इवनिंग्स होते हैं, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रिकग्नाइज्ड होना ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो अपनी अपनी फिल्म के साथ आए हैं और इतनी बेहतरीन फिल्में हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, और अलग अलग मुद्दों पर है. इतने हार्ड वर्किंग और इतने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ अंदर इस वक्त. इन लोगों के बीच में नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है. ट्रॉफी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है. सो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को. बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे टैलेंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम को रिकग्नाइज कर रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत बड़ी बात होती है. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब ऐसी चीज़ें आपके हाथ में आती है तो एक पुश मिलता है आपको आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए. सो अवार्ड्स आर ऑलवेज वेलकम एंड अवार्ड्स आर ऑलवेज ऑलवेज स्पेशल. अरे इसके बारे में बात करते हैं, तुम अलग अलग मुद्दों पे चले गए. No, let's talk about this. सबसे पहली बात है कि ये जो फिल्म फेस्टिवल में जो कामयाबी की फिल्म आई है, ऐसे तो 750 फिल्में आई थी ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे पास में, जिसमें से हम लोग ने 100 फिल्मों को चुना है जो बेस्ट सोशल सिनेमा है, जिसके अंदर से जो कामयाबी की और डायरेक्टर सर की जो फिल्म है संजय जी की जो फिल्म है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसलिए नहीं कि इसके अंदर एक सेलिब्रिटी है, इसलिए कि इसका सब्जेक्ट ही अपने आप में एक सेलिब्रिटी है. Absolutely. और उसको परफॉर्म करने के बाद में हर सेलिब्रिटी ये चाहती है कि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट करूं जहां पे मेरे अंदर के एक्टर को दिखाने का मौका मिले. तो सर थैंक यू सो मच कि आपकी इतने सालों की मेहनत जो आपने लिखी बनाई, और बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं क्योंकि फिल्में पैसे से नहीं बनती है. फिल्में बनने की वजह एक डायरेक्टर का जज्बा, उसकी जिद, उसके एफर्ट्स और डेडिकेशन होते हैं, और एक एक्टर के लिए वो एक्टर हर एक रीज़न से आता है अपने सपनों में, सपनों को लेकर यहाँ पे माया नगरी में, लेकिन जब तक उसको अच्छे कंसेप्ट, अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलता, तब तक उसकी जर्नी मुझे लगता है अधूरी रहती, चाहे वो कितना भी पैसे वाला बन जाए. तो थैंक यू सो मच सर कि हमारे फिल्म फेस्टिवल में आपने फिल्म भेजी. नहीं नहीं, थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए कि इतने अच्छे फिल्म फेस्टिवल में आप लोगों ने हम लोगों को शामिल किया, हमारी फिल्म के ऊपर इतने अच्छे तरीके से, इतना पॉजिटिवली उसको रिकॉग्नाइज किया, और आज ये सम्मान हम लोगों को मिला है. हम मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट ये ज़रूर कहेंगे कि एक सम्मान, इस तरीके की जो अवार्ड्स हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है. बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है. जी सर, फिल्म के बारे में अगर कुछ बताएं. फिल्म के बारे में बताएंगे कि फिल्म का नाम है शी नेवर सेड, और शी नेवर सेड एक तरीके का जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर फिल्म है, और फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है. जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है. लेकिन फैक्ट ये है कि सोसाइटी के हर तबके में, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, मिडिल क्लास है या हायर क्लास है, आईएएस पीसीएस से लेके पॉलिटिशियंस तक और गरीब घर में काम करने वाली भाइयों तक, लड़कियों तक, सबके साथ कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है. हमने इस फिल्म के जरिए कोशिश की है कि एक आईना हम बार बार दिखाएं. शी नेवर सेड वो कभी नहीं भूली, लेकिन आखिर कब तक, वो क्वेश्चन मार्क है. हमने कोई सलूशन नहीं दिया है फिल्म में, हमने कोई इसके अंदर सोशल मैसेज नहीं दिया है. हमने सिर्फ एक आईना दिखाया है सोसाइटी को, उसमें मेल फीमेल हर तरीके के लोग, हर कैटेगरी के लोग उसमें शामिल हैं. आप देखो, शायद आपको दर्द समझ में आए. और जब फिल्म हमने बनाने की कोशिश की तो मैं हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं रंजन जी, राजीव जी, गौरव जी और बाकी पूरी टीम, हमारे जो राइटर हैं, उन्होंने जब पहली बार ये स्क्रिप्ट हमें सुनाई तो वाकई में सुन के
पूरी स्क्रिप्ट में जो मज़ा आया करने का एक जज्बा पैदा हुआ, और सबसे पहला जो चेहरा हमारे जहन में आया था वो काम्या जी का था। और काम्या जी के बारे में और हालांकि इन तक पहुंचने में हमें वाया 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 घूम घूम के हम इन तक पहुंचे, और जब पहुंचे तो काम्या जी का जो एक एंथू था, जो इनका जो रिस्पांस था, वो उसने हमको बहुत बल दिया और हम फिर उसके बाद जुट गए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो एक दिमाग एक स्क्रिप्ट का मिजाज, एक्टर का मिजाज, टीम का मिजाज और डायरेक्टर का मिजाज जब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना तो कुछ निराली चीज़ बन जाती है। और यहीं पर मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर का जिक्र करूँगा, वो ये कि फिल्म में एक गाना है, गाना हमारी फिल्म को और बहुत ऊपर लेके चला जाता है। गाने के अंदर पूरा एक सोल्यूशन हमने क्रिएट किया है, और गाना लिखने के लिए हमारी जो लिरिसिस्ट हैं यहीं पर है, हमारे साथ में ही है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग बोलेंगे तो हम उनको उसमें शामिल कर लेंगे। और आइए, ये गाना 18 बार लिखा गया है। सर इधर देखो, यहाँ इधर ओके। तो गाना भी करीब 18 बार लिखा गया, और एक एक शब्द चुनने के बाद में बड़ी जद्दोजहद के बाद ये गाना तैयार हुआ। और जब मैंने काम्या जी को गाना सुनाया तो काम्या जी और ज़्यादा खुश हुई कि नहीं, इस फिल्म के अंदर एक चार चांद लगाने वाली स्थिति है। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि ये फिल्म आप सब तक भी पहुंचे। आप लोग प्लीज़ अपना रिव्यू जरूर देना, किसी न किसी OTT के जरिए या जैसे भी हो आप तक पहुँचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। फिल्म फेस्टिवल के बारे में अगर कुछ बताइए, आपकी कितना इम्पोर्टेंट है कि फिल्मों को सेलिब्रेट किया जाए और उनको, मैंने आते ही ये बात कही थी, आते ही मैंने ये कहा, मैंने शुरुआत ही इसी चीज़ से कहा कि मैं हैदराबाद में थी और जब मुझे पता चला कि मैं नॉमिनेटेड हूँ तो यू नो, अगर ये कोई अवार्ड सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन एक ऐसा मंच जहाँ पर इतने बेहतरीन कलाकार हैं, इतनी बेहतरीन फिल्में हैं, ये मैं मिस आउट नहीं करना चाहती थी। और कैसे कैसे इतनी जद्दोजहद से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ टू रिसीव दिस, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म मीन्स अ लॉट। एंड अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी पूरी टीम को, फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, एंड बस आप लोग ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करते रहिए, हमारे काम को सराहते रहिए। काम्या जी के लिए आपको सबसे बड़ी सरप्राइज मैं आपको दे रहा हूँ मीडिया के सामने, मीडिया इसको नोट कर ले कि सबसे बड़ी सरप्राइज जो आपके लिए थी, हर साल हमारे पास में जो फिल्में आती है उन फिल्मों में से लगभग 14 फिल्में हर साल हम कांस में स्क्रीन करवाते हैं, ठीक है। तो लास्ट 3 साल से जो 15 फिल्में स्क्रीन हो रही है उसमें से 14 फिल्में हमारा फिल्म फेस्टिवल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रांस में। और इस साल जो 14 फिल्में हमने चुनी है उसके अंदर से एक फिल्म काम्या जी की है। और आज इस साल के कांस फिल्म फेस्टिवल में आप देखोगे कि पूरा वर्ल्ड काम्या जी के टैलेंट को देखेगा, और ये हमको मीडिया के अंदर ही रिवील करना था। बीइंग डायरेक्टर, बीइंग प्रोड्यूसर, हम लोग फिल्म बना लेते हैं, वो चाहे शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि उसको पब्लिक तक पहुंचाना, रिलीज़ करना या OTT पर डालना। और इस तरीके के जो फेस्टिवल्स हैं, मैं खासतौर से नाम लूँगा फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल का, इनकी वजह से ये सिनेमा आप लोगों की तरफ पहुँच रहा है, दुनिया में पहुँच रहा है, लोगों के बीच पहुँच रहा है। और मैं इसके लिए विक्रांत जी का, फिल्म फेयर इंडिया का सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और प्रिया के जरिए, जिसके जरिए हमारी बातचीत हुई, और मैं चाहूँगा कि इस तरीके से ये आगे भी करते रहें, और अगर मेरे लायक कोई भी मदद कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तैयार। आप सिर्फ फिल्में बनाइए, इंटरनेशनल ऑडियंस तक हम पहुँचाएंगे उसको। क्या बात, हम पहुँचाएंगे, क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो थैंक यू सो मच सारे मीडिया लोगों के लिए, काफ़ी वक्त से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो और काफ़ी वक्त तक आपने वेट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस अवार्ड के बारे में मैं कहने के पहले एक चीज़ करना चाहूँगा कि ये जो सामाजिक मुद्दे पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो फाइनेंस की, फंडिंग की, और कोई भी सोशल अभियान आगे नहीं पहुँच पाता है। और ये अभियान अगर किसी के सपोर्ट से अगर पहुंच पाया है तो वो है दिव्यांग फाउंडेशन एंड साई मूवमेंट साउथ ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज ये इतना बड़ा फेस्टिवल हो पाया, और हम ऑल ओवर इंडिया के, पूरे हिंदुस्तान के 100 से भी ज़्यादा फिल्म मेकर्स को फैसिलिटेट कर पाए।
उसके फाउंडर हमीद सर हमारे साथ में हैं। एक्चुअली दिव्यानर फाउंडेशन जो ये साउथ ऑफ इंडिया मूवमेंट शुरू किया है तो इसका मेन मकसद है कि जो हर इंसान के अंदर में उसकी जो सामाजिक दायित्व है और उसके अंदर जो एक आध्यात्मिक चेतना है उसको कैसा उजागर किया जा सके जिसमें कि समाज के साथ साथ उसके जीवन में भी एक संतुलन शांति समृद्धि आ सके। जब मुझे ये सोशल सिनेमास जो हैं क्योंकि दिव्यानूर फाउंडेशन का जो साउथ ऑफ इंडिया मूवमेंट है उसका एक पार्ट है जो सोशियो स्पिरिचुअल मीडिया नेटवर्क्स बोलते हैं तो जिसके अंदर में हम चाहते हैं कि समाज में छोटे फिल्म के जरिए या फीचर फिल्म हो डॉक्यूमेंट्री हो या किसी तरह से डिजिटल मीडिया हो उस तरह में पॉजिटिव चीज़ें समाज में आए कि आज अगर आप जहाँ पर भी देखेंगे नेगेटिव चीज़ों का ज़्यादा प्रमोट होती है क्योंकि इंसान डिफॉल्ट स्ट्रक्चर में बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि दायित्व है जो फिल्म मेकर्स के जो भी मीडिया के वो पॉजिटिव चीज़ों को भी उसी तरह से बढ़ावा दे जो कि समाज में बहुत सारा बदलाव ला सकता है तो उसके लिए पहल था। और कहीं ना कहीं विक्रांत जी का जो मैंने सफ़र देखा है उन्होंने ज़्यादातर सोशल फिल्म्स को ही प्रमोट किया है तो मुझे लगा कि नहीं ये सहयोग करना हमारे लिए सही है क्योंकि हमारा मिशन भी वही है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड जो हमारा इवेंट था वो तो आपको सर ने बताया दिया है कि जो भी था हम बहुत सारे फिल्म मेकर्स को अवार्ड दिए बहुत सारे फिल्म मेकर इंडिया के बाहर से भी आए थे इंडिया से भी आए थे तो अवार्ड देकर हमेशा ही अच्छा लगता है सबको। और हमारी बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी आई थी उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हमारे पास सबमिट हुई थी जिनका मैसेज बहुत अच्छा था जो मैसेज कन्वे होना बहुत ज़रूरी था तो हमने बस वही एक पहल की थी। और हम हर साल करते हैं और हमेशा ही मुझे अवार्ड देकर फिल्म मेकर्स को बहुत अच्छा लगता है एंड आप सबके जरिए हम लोगों तक पहुंच पाते हैं तो थैंक यू सो मच इतने टाइम पर हमारा वेट करने के लिए और हमारे जो इवेंट है उसको काफ़ी अच्छे तक लोगों तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मुझे पंकज जी के आशीर्वाद मिला है। पंकज बेरी साहब जो मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं इंसान इतने प्यारे इंसान यारों के यार दोस्तों के दोस्त मैं समझता हूँ कि ट्रू लेजेंड पंकज बेरी साहब के आशीर्वाद जो अवार्ड मुझे मिला मेरी इतनी तारीफ की सुनील जी ने धन्यवाद मतलब मेरा हौसला बढ़ गया अब लगता कि और जीवन में अच्छा काम करना पड़ेगा मुझे और बहुत बहुत शुक्रिया सर और ऐसे ही अवार्ड आपको भी मिलते रहे और आपके ये सुनील जी के हाथ से मुझे अवार्ड मिला। सर जैसे आपने कहा कि आपका हौसला बढ़ा आप दोनों से जाना चाहता है कलाकार के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरह का एप्रिसिएशन। देखिए भैया आज का जमाना इतना टेंशन वाला जमाना है डिप्रेशन वाला जमाना है कि जोश और मौज भी डाउनलोड करना पड़ता है। यस बिल्कुल वो भी डाउनलोड जोश और मौज डाउनलोड करना पड़ता है। ऐसे में ऐसे लेजेंड्स या ऐसे दोस्तों साथियों के बीच में रह के आपको जोश और मौज रियल में मिले अवार्ड के जरिए यस पूरे पारितोष के जरिए सम्मान के जरिए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इसे कहते हैं कि गॉड गिफ्ट। ये जोश ये जो अवार्ड है ये एक इंस्पिरेशन होती है एनर्जी होती है ऊर्जा होती है जो और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन देती है तो ऐसे अवार्ड मिलते रहने चाहिए। कलाकार जीवित रहता है और अच्छा काम करने की जिज्ञासा होती है इच्छा होती है तो एनर्जी लेवल बड़ा रहता है। अभी थोड़ा सा इनका जोश कम हो गया था तो ये पंजाब जा रहे हैं क्योंकि पंजाब को पता है आपको जोश का स्टेट माना जाता है उत्साह का जोश माना जाता है। पंजाब इतना बड़ा इतना खूबसूरत स्टेट है हंसने हंसाने भी इतना बिलीव करता yes, है कि अपना मुख्यमंत्री भी स्टैंड अप कॉमेडियन को बना देता है स्टैंड अप कॉमेडियन को अपना मुख्यमंत्री बना देता है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में आप जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा yes. खाना पीना पंजाबी दिशान व करी मुर्गा खाते शाम बकरी जो नॉन वेज खाते उनकी बात कर रहा हूँ तो जिते पंजाबी जाते उत्थे नवा पंजाब बनसाते हैं दूरंदेसी उत्थे देश में भी दूर कनेडा सीए के बारे में पंजाबी से पूछा ओ जी सीए तो बस सिंपल बात है सी मतलब कनाडा ए मतलब अमेरिका ए मतलब ऑस्ट्रेलिया सी ए बस उनको इसी से मतलब है। तो पंजाबी हमारे बहुत ही प्यारे होते हैं जैसे मैंने कहा कि पंजाबी मनमौजी है पर देश में मुसीबत है तो हर पंजाबी फौजी है तो मैं समझता हूँ कि आप वहाँ जा रहे हो आपका स्वागत है हमारे मित्र की तरफ से मुसलमान की तरफ से एंड क्या कह रहे हो लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जीवन में अभी हमारी फिल्म गाली गलौज तो आकर गई है यूट्यूब पर ही आप देखिए सुनील पाल ऑफिशियल का साथ साथ में एक फिल्म हो रही है काफ़ी विद अलोन एक डिप्रेशन की कहानी है एक डिप्रेशन का बंदा है आजकल हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में है दो लोगों को छोड़ के तो मैं समझता हूँ कि उसे जरूर देखिएगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी बन रहे हैं लेकिन चूंकि मैं आपको पता
थिएटर और लाइव शोज में ज़्यादा रमता हूँ, वहीं से मेरा मन लाइव ऑडियंस के बीच में ज़्यादा लगता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ बॉलीवुड से कह सकूँ कि भैया काम ज़रूर दीजिए, लेकिन रेट जो तुम चाहो और डेट जो मैं चाहूँ। मेरे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वेब सीरीज चल रही हैं, फिल्में चल रही हैं, सीरियल से अभी निपटा हूँ। इतनी बड़ी दाढ़ी थी, हमने देखा था दिल्लियाँ गल्ला, वो ख़त्म हुआ, दाढ़ी साफ़ हुई। अभी एक ये एक फिल्म करके आया हूँ बनारस में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, बहुत अच्छी फिल्म है, लोकेशन कमाल की थी, सब्जेक्ट कमाल का था और रोल भी कमाल का है। फिल्म का नाम है आराध्य और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा। और वो फिल्म बहुत जल्दी सामने आ जाएगी, 3 महीने के अंदर वो फिल्म सबके सामने आ जाएगी, और 2-3 फिल्में और शुरू होने वाली हैं। तो चल रहा है बस, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग किस्म के किरदार करने की आदत है, वही निभा रहा हूँ। थैंक यू आप सब जी हजारों साल जल्दी मिलते हो, होली मुबारक हो आप सबको, सारे देखने वालों को होली आपके रंग बिरंगी जाए, आपके फैमिली में होली इस तरह से मनाए कि साल भर आपकी फैमिली होली फैमिली हो जाए। हैप्पी होली। मैं तो सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा और मैं बता दूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे हसीन लम्हा है जहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को और मेरे पार्टिसिपेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आपको मुस्कुरा के, यानी बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, भीतर का अगर तूफान आपने हैंडल करना सीख लिया तो आप ज़िंदगी में हमेशा चैम्पियन रहेंगे। तो हमेशा हमेशा चैम्पियन रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और लाइफ में कभी भी घबराइएगा मत। All seasons are not same. सारे सीजन का सामना करते रहिएगा और थैंक यू फॉर दिस। दसों में नहीं, थैंक यू सो मच फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर गिविंग दिस अवार्ड एंड स्पेशल थैंक्स टू डायरेक्टर पूजा कदम। आई हैव टू शेयर समथिंग अबाउट हर, शी इज सुपर स्केर्ड ऑफ थ्रिलर एंड हॉरर फिल्म्स, बट दिस इज अ फर्स्ट फिल्म दैट शी इज रिटन एंड शी इज टेकन अप अ बिग स्टेप by killing that fear. And thanks to the cast and crew, amazing work, lovely contribution. We shot this film during lockdown and with a very minimum crew, very bare minimum equipment, and everyone were doing multiple jobs at the same time, and with all the hard work and efforts, this is the result. Thank you so much. Team, to contribute my social activities in this valuable platform. और मैं जो basically काम करता हूँ वो addiction, depression, anxiety, गर्भ संस्कार and pre-marital counseling पर काम करता हूँ। उस बेस में जो अभी मैं पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ, उस बेस पर इस organization committee ने मुझे ये platform provide किया और मुझे उसके लिए एक award दिया जो Organic Product of India award है। और इस टीम को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जो हमारे सोशल एक्टिविटीज़ को एक प्लेटफॉर्म देने में और मुझे एक प्रोत्साहन या एक वैल्यू देने में मुझे खुशी है कि जो मुझे एक अवार्ड मिला, अवार्ड के रूप में जो खुशी मिली बहुत अच्छी है। मैं स्पेशली जो समाज के लोगों में या अपनी टीम जो हमारे साथ काम करती उसको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम सपोर्ट दिया और मुझे समाज में जो लोग सफ़र कर रहे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन से, उनमें काम करने के लिए हमेशा टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहें, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और थैंक्स टू एवरीबॉडी। मैं अपने सारे ऑडियंस को और मेरे पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, करियर काउंसलर और मेंटल हेल्थिंग कोच हूँ, पेरेंट एजुकेटर भी हूँ। मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थाट्स, प्रोकास्टिनेशन से जूझ रहे होते हैं। देखिए आजकल मेंटल हेल्थ का इतना इशू हो रहा है जिस पर हम बात नहीं करते हैं, मैं उस पर अवेयरनेस लाना चाहती हूँ ताकि लोग अपने उस लाइफ को जो जीते हैं वो अच्छे तरीके से जी सके, जॉयफुली होकर जी सके। क्योंकि आज हमारा समाज बहुत डैमेज होते जा रहा है मेंटल हेल्थ की वजह से, जो हम उसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उसे सोचते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो शायद हम छोटे हो जाएंगे या हमें एबनॉर्मल कहा जाएगा। जबकि आज देखा जाए तो इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई भी एंजाइटी, डिप्रेशन की है, जिसकी वजह से हमें लाइफस्टाइल डिजीजेज भी होते हैं जैसे शुगर, बीपी वगैरह। तो इस वजह से मैं हमेशा ऐसे लोगों की हेल्प करती हूँ जो पूरी तरीके से डैमेज होते जा रहे हैं और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं। सो मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ की बात करें और उसके ऊपर अगर आपको हेल्प लेनी हो तो प्रोफेशनल हेल्थ भी जरूर लें।
थैंक यू। आप क्या सुनना चाहोगे ये बताओ। अगर आप मेरी जगह होते तो आपको कैसा लगता अगर कोई आपको अवार्ड देता। हमेशा कहीं पे भी अगर आपको रिस्पेक्ट दिया जाए या आपको अवार्ड दिया जाए तो ज़रूर से खुशियाँ ही मिलती है और अपने लिए वर्दीनेस फील करते, सही है कि नहीं, है ना। मैं भी चाहती हूँ आप लोग भी अवार्ड के हकदार हो, आप लोग भी जो काम कर रहे हो इतनी शिद्दत से इतनी मेहनत से कर रहे हो ना, तो मेरा ये अवार्ड भी आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ कि आप भी अपने लिए जो मेहनत करते हो, अपने प्रति जो प्यार रखते हो ना, उसके लिए भी मैं आपको अपने दिल से प्यार भरा अवार्ड देती हूँ। और चाहती हूँ कि जो काम मैं करती हूँ मैं भी आपकी तरह मेहनत से करूँ। मैं एज ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, इमेज कंसल्टेंट, दुनिया में यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने प्रति अगर आप रिस्पेक्ट रखते हो, आप अपने लिए अपनी नज़रों में अगर सही हो तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये जो अवार्ड है हमें मिला हमारी डॉक्यूमेंट्री अब कहाँ जाऊँगी, जिसका इंग्लिश नेम है वेयर शेल आई गो नाउ। ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये है डोमेस्टिक वायलेंस पे है, पर इसमें जो औरतों की कहानियाँ हैं दे आर नॉट विक्टिम, मतलब वो फाइट किया है उन्होंने, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और अपनी जो उन्होंने कहानी शेयर की है उसमें वो और औरतों को होप दे रही हैं। एंड ये पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें एक कंप्लीट स्टोरी लाइन है, साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है कि सालों साल औरतें एक्चुअली क्यों सहती रहती हैं। क्योंकि जब भी देखिए किसी औरत को पूछा जाता है कि आप इतने साल तक चुप क्यों रही, आप बोली क्यों नहीं है, तो सभी औरतों को हमने जब पूछा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा था, इतने साल वो क्यों सहती चली गई, तो उनके अलग अलग जवाब, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, और 90% सबका यही आंसर था कि हमारे माँ, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स ने हमें बस यही सिखाया था कि वहीं रहना है, जो मर्जी हो जाए वहाँ से निकलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो रहा था हम मार खाते थे, वापस आते थे, फिर भेज दिया जाता था। और समझ में ये नहीं आता था कि वो वर्किंग वुमेन है, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री में दे ऑल आर एट गुड पोजीशंस, कोई गरीब नहीं है। एंड वन इज़ अ फीमेल ऑटो रिक्शा ड्राइवर ऑफ पंजाब, फर्स्ट फीमेल ऑटो रिक्शा, एंड वो शी बिलोंग्स टू वेरी डाउन कम्युनिटी, यू नो, बहुत लोअर क्लास से बिलोंग करती हैं, बट शी हैज़ फॉट विद इट एंड शी इज़ एग्जाम्पलीफाइंग। शी वियर्स टर्बन, वो आदमियों के बराबर पगड़ी पहनती हैं, और मतलब बहुत इंस्पायरिंग है वो और औरतों के लिए कि हम अकेले से भी बहुत कुछ खुद से कर सकती हैं। थैंक यू। भाई मैं इंटरनेशनल मूवी बनाया हूँ, इसके अंदर ऑल वेस्टर्न पीपल एंड अरब्स आर देयर, इंडियंस भी जो बने हैं उसमें अरब्स का काम कर रहे हैं, बट उन लोग अरब्स हैं, इंडियन नहीं है। दिस इज़ मूवी इज़ मेड ऑन ह्यूमैनिटी, और इसके अंदर जो दुनिया में जो वॉर हो रही है, जो यूक्रेन का वॉर, रशिया, अमेरिका, इसराइल, और जो फलस्तीन और दूसरे जगह पर भी सोमालिया, आई डोंट नो अदर प्लेसेस और जगह जिधर वॉर का सिलसिला चल रहा है, तो दिस इज़ जस्ट अ कूलेंट टू दैट। इट्स 1.5 आवर मूवी एंड पूरी मूवी में डायलॉग्स नहीं है, इट्स अ साइलेंट मूवी वेयर वी आर गोइंग टू गिव अ पीस मैसेज दैट स्टॉप किलिंग चिल्ड्रन एंड स्टॉप किलिंग इनोसेंट फैमिलीज इन वॉर जोन। तो आई ऑलवेज कॉल दिस वन एज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, बट आई फील हाँ ये चलेगा क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा फीलिंग्स डाला हुआ है। फीलिंग्स का मतलब ये है कि जिसका कटता है उसको ही फील होता है, और इस मूवी में मैंने वो दिखाया है कि हाउ यू विल फील इफ़ यू विल बी इन दैट वॉर जोन। सो दिस मूवी इज़ कंसर्निंग एवरीथिंग अबाउट फीलिंग्स, एंड आई होप दैट ये तो बहाना है मुझे लेने का, पर मेरे हिसाब से एज अ राइटर एंड डायरेक्टर आई फील अगर पूरे वर्ल्ड में अगर एक आदमी की भी जान बच जाती है मेरी फिल्म के माध्यम से, तो आई फील दैट विल बी माई अवार्ड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लुक एट द ब्राइट साइड, एज एन इंडियंस वी आर गोइंग टू द सेकेंड लेवल वे वी आर ब्रिंगिंग 1.5 आवर का हमने मूवी बनाया विदाउट एनी डायलॉग्स, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन म्यूज़िक। तो ये इंडिया के बॉलीवुड के लिए भी नया है, इंटरनेशनल लेवल में भी नया है, एंड लेट्स होप दैट वी
win awards outside also. So all the best to me and to our country. Good evening and namaste. Yes, it's my privilege and honor to receive such a prestigious award from Vikrant More sir. Yes, this is my second award and it has entirely changed my life. Vikrant sir has given us a platform to come up with lots of social cause. Whereas like at the time of Corona, I came up for all the teachers where they were committing suicide. And my motto was that each one teach five. और ये जाते जाते आज 15,000 टीचर ट्रेनिंग हो गया है ऑन अ सोशल कॉज. नॉट ओनली दिस, आई एम ऑल्सो डूइंग वन मोर रिसर्च ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी. जहाँ पर डिप्रेशन बड़ों की बात करते हैं लेकिन वहाँ पर छोटे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनके डिप्रेशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे. देर आर लाइक सॉफ्ट टीचर्स ऑल्सो, देर आर लिटिल हार्श टीचर्स ऑल्सो. सो चिल्ड्रन आर कमिटिंग सुसाइड, सो उन पर भी थोड़ा रिलेटेड रिसर्च करके हम उन थोड़ा बहुत वर्क कर रहे हैं जिससे बच्चों के लिए एनजाइटी डिप्रेशन थोड़ा कम हो सके. I came up with for children also, that is 3+3+3. So that is according to the rule. Agar bache anxiety or depression se guzar rahe hai. So three rule starts for, start searching for three things around you. Second three starts stands for ki aapko agar anxiety ho rahi hai, to just listen three sounds, three different sounds. Because sound work more on us, on a child and a overall body also, because this whole universe is made up of sound. और थर्ड थ्री हमारा रिलेट करता है थ्रू आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. स्टार्ट टेकिंग थ्री नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो दिस वॉज माई मोटो विच आई केम डाउन फॉर द टीचर्स एंड नाउ फॉर द स्टूडेंट एंड इट्स माई प्लेजर एंड वन मोर टाइम थैंक यू विक्रांत सर फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क. थैंक यू सो मच. मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी विक्रांत मोरे जी का कि इन्होंने ये हमारी फिल्म और ये मैं दूसरी बार ऐसी अपनी डिफरेंट फिल्म्स के लिए अवार्ड ले रही हूँ. पहली फिल्म थी कृपा मंच जो कि ऑस्कर तक में चली गई. उस टाइम नहीं गई थी जब अवार्ड मिला था और अब की बार उन्होंने ये फिल्म के लिए भेड़ियों के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड. ये एक रीजनल फिल्म है पहाड़ी उसके बारे में. वो खैर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा. ये फिल्म भी यूनाइटेड नेशन से स्पॉन्सर है. तो विक्रांत जी ऐसे ही आज जितने भी जो अवॉर्डीज थे सब डिफरेंट सिनेमा करते हैं, रन ऑफ द मिल से थोड़े अलग. तो ये भी बधाई के पात्र है क्योंकि बाकी तो ऑब्वियस जो हमारे स्क्रीन्स या फिल्म फेयर है वो तो कमर्शियल या जो मनी मेकिंग ऑफकोर्स दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन कुछ अलग किस्म की फिल्में होती हैं उनको विक्रांत मोरे जी जैसे कुछ लोग उनको उनका उनको इनकरेज करते हैं और उनका उनके ऐसे लोग भी होने चाहिए कि जो ऐसी डिफरेंट फिल्म बने उनको इनकरेजमेंट मिले. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड प्राउड. थैंक यू. द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर दिस अवार्ड. सो बेसिकली वी हैव गॉट दिस अवार्ड फॉर द फीचर फिल्म कैटेगरी फॉर मल्हार. दिस इज़ डेडिकेटेड टू आर प्रोड्यूसर मिस्टर प्रफुल पासर. On his behalf, I've collected the award and I would just like to give you a basic gist about the movie. Malhar word actually comes from Malhar Rag. Malhar Rag is basically, the meaning of Malhar Rag is basically heavy rains. So here in the whole story, in the whole movie, there are three stories running. And so basically when it rains, it depends on our perspective how we take rain as, in a good way or a bad way. In the same way, there are different situations which are happening around and how beautifully and how differently people are taking the situation, taking up the situation, and how it is picturized is all about this. That is all about the film. And apart from that, also the thing is it is shooted in Kutch, and also we are trying to show the beautiful heritage and culture of Kutch in this. Thank you. First of all, I accepted this award on behalf of Avinash Chambatwar. He is one of the class 1 officers of Maharashtra government. He is a tahsildar. He is working in the
in the ward of Jyoti, which is in Chandrapur district. He's working in the tribals, one of the tribal districts, and doing a great work there. और एक तहसीलदार होके भी उन्होंने तीन फिल्म्स आज तक बनाई हैं और तीनों भी सोशल इश्यूज पे है. सो थैंक यू फ्रॉम द इंटायर टीम ऑफ चुनाव टू द फिल्म फेयर इंटरनेशनल फेस्टिवल कि उन्होंने इस फिल्म को अवार्ड दिया. ऑफ कोर्स ये फिल्म एक सोशल इशू पे है. चुनाव हमारे देश में जो भी होते हैं कंटिन्यूसली होते रहते हैं, लेकिन उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए टू डू एवरी इलेक्शन विदाउट फियर एंड फेवर द एंटायर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग द इलेक्शंस ऑनेस्टली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज स्टिल अलाइव इन इंडिया. सो चुनाव ये फिल्म उसी के ऊपर आधारित है. चुनाव ये मैसेज देती है कि वोटिंग ना करना ड्यू टू यूर सम सोशल इशूज और सम सोशल अनसेटिस्फाइड डिमांड्स, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन. वोट ना डालना आपकी किसी डिमांड की वजह से ये कोई सोल्यूशन नहीं है. तो वोट डाल के ही आप डेमोक्रेसी में भाग लेके ही, डेमोक्रेसी का हिस्सा बन के ही आपको अपने प्रॉब्लम्स सरकार तक पहुँचाने हैं. तो ये मैसेज चुनाव ये फिल्म देती है और ये इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हर किसी को वोट डालना चाहिए. एंड द एंटायर अवार्ड इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अवार्ड मुझे द लॉस्ट गर्ल फिल्म आ रही है अभी, जिसको आदित्य रनौलिया जी ने लिखा और डायरेक्ट किया है. पेनोरमा स्टूडियोज 5 अप्रैल को ये रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर इंडिया. तो इसके मैं म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए मुझे ये अवार्ड मिला और डेफिनेटली ये जो विक्रांत जी का इनिशिएटिव है और ये जो फेस्टिवल है सोशल इश्यूज़ पे, क्योंकि हमारी जो फिल्म की भी कहानी एक ऐसे बच्ची की कहानी जो 1984 के राइट में यू नो वो बिछड़ जाती है अपने पेरेंट्स से और कैसे वो एक जर्नी उसका होता है पूरे अपने यू नो अपने अस्मिता को अपने वजूद को तलाशने का, उस संघर्ष की कहानी है. तो मैं सबों को आप लोगों को भी आमंत्रित करूँ कि ये एक बहुत ही सोशल इशू पर एक फिल्म है कि 84 का राइट है, प्लस आपको मालूम होगा कि कितनी बच्चियां गुम हो जाती हैं. तो ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनको ये छूती है फिल्म. तो डेफिनेटली अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और अधिक से अधिक लोग देखें इस फिल्म को, यही है हमारा मैसेज. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विक्रांत सर कि उन्होंने हमें इस अवार्ड से नवाजा. और बात करते हैं हमारी कॉन्सेप्ट की. हमारा जो आज फिल्म में इन्होंने जो जीता हुआ है उसका नाम है दानम. ये कॉन्सेप्ट है हमारे बॉडी डोनेट के ऊपर, यानी कि जब जैसे हमारी डेथ हो जाती है उसके बाद हमारी जो बॉडी को दफनाया जाता है. अन्य रिलीजन में अलग अलग चीज़ें हैं, कभी जलाया जाता है, लेकिन हम अगर अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं तो उसे हम डोनेट कर सकते हैं, राइट. और जैसे कहा जाता है कि अगर अपनी आप पूरी बॉडी डोनेट नहीं करते हो तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होती. तो ये सोच आज की जनरेशन को बदलने का, जैसे सती प्रथा थी वो बंद हो गई, वैसे ही अगर आप अपने बॉडी को डोनेट करोगे उससे कई लोगों की जानें बच सकती हैं. तो इस चीज़ का ये हमारा कॉन्सेप्ट है दानम, और इस वजह से हम लोगों को प्राइज़ मिला. हमारी मैम है और स्मिता मैम है जो इस फिल्म का इन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा है, राइटर है. बहुत बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है उनका. दानम आप सब समझ ही गए होंगे कि दानम मीन्स दान. तो अंगदान मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दान है कि हम मरने के बाद भी एक शरीर को जीवित रख सकते हैं अपने अंगों के द्वारा, क्योंकि मरने के बाद उन अंगों का कोई मतलब नहीं है. ये मिथ को सबके समाज के दिमाग से ये निकाल देना है, जागरूकता जगानी है हमें कि मरने के बाद हमारा शरीर सिर्फ एक शरीर ही है, उसमें कुछ भी नहीं बचता. आत्मा तो अजर अमर है, नश्वर है. तो आप हम लोग जो ये कॉन्सेप्ट को लेके चले, इसका मेन जो हमारा मुद्दा था कि हम लोगों जन जन तक ये पहुँचाएँ कि आप मरणोपरांत आप अपने शरीर को दान करें. उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें आप जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जागरूकता बढ़ाएं. और मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद
किसी 50 में से किसी एक दो को तो हम जगा ही पाएंगे। स्मिता मैम दे रहे हैं जो सोशल मैसेजेस के ऊपर जो फिल्में बन रही हैं उसके लिए, और दूसरा हमारे जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं युवराज बुराडे जी, बाई चांस वो आज कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुई जिसके कारण वो नहीं आ पाए, तो हम सब हमारी सारी टीम उनको धन्यवाद देना चाहती है जिन्होंने ये पहल की और हमारी हमारा साथ दिया उन्होंने। जैसे कि मैम ने और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अश्विन जी, इन्होंने बताया ही है सारा कि अंगदान के ऊपर ये मूवी बनी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है और जो हमारी मेहनत है, इस फिल्म को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जाए और जन जन तक हमारा संदेश जो हम देना चाहते हैं वो पहुँचे, तभी हमारा प्रयास सार्थक होगा। थैंक यू। मैं लीड रोल जिन्होंने संजय भाई ने प्ले किया उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने हमें ये अवार्ड से नवाजा है, हम तो ये कहना मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बस कि ऑर्गन डोनेशन हर इंसान को करना चाहिए, कि अगर कोई इंसान ऑर्गन डोनेशन करता है वो कितने लोगों की जान बचा सकता है। एक इंसान पता नहीं 4 से 5 लोगों की जान बचा सकता है। मैंने भी किया है। मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद, शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद एक एक बंदा भी करेगा ना तो हमें बहुत खुशी होगी कि उसने कितने लोगों की जान बचा दी। बस हमारा यही मुहिम है कि सबको कि ये जन जन तक पहुँचे और एक एक बंदा भी तैयार होता है इस चीज़ के लिए तो हमें बहुत खुशी रहेगी। धन्यवाद। हाँ, हमारी फिल्म जस्ट चिल मैम, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है और इस फिल्म में हमने आज के यूथ के ऊपर हमने बनाने की कोशिश की है ताकि लोगों को कैसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना है, कैसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है, इसके बारे में हमने इस फिल्म में बताने की जो है। और हम वुमेन सेंट्रिक इस मूवी को रखें क्योंकि एक सिंगल मदर अपने बच्चों को कैसे पालती है और उन्होंने कैसे अपने बच्चे को एजुकेट किया है और किस तरीके से वो आगे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और आगे क्या क्या काम करते हैं उसके ऊपर हमने रखा है। और आजकल की लड़कियां जो दूसरे लोगों पर ट्रस्ट कर लेती हैं और उनके साथ कुछ घटनाएं हो जाती हैं उसी को लेकर के हमने फिल्म बनाई। सिया हमारी फिल्म की लीड एक्ट्रेस है, बोलिए आप भी कुछ। मैंने इसमें लीड कैरेक्टर परफॉर्म किया है और ये कैरेक्टर करने के दौरान मतलब बहुत कुछ मैंने सोचा कि अगर मैं किसी को इंस्पायर कर पाऊँ, क्योंकि अभी मैं भी उसी एज में हूँ जहाँ पे या तो लड़कियाँ बन जाती है या तो बिगड़ जाती है, और इस एज में हमें ऐसा लगता है कि सबसे बड़े दुश्मन एनिमी हमारे माँ बाप ही होते हैं, हालाँकि ऐसा नहीं होता, तो बस ये बोला गया है। इस फिल्म में लीड रोल जरीना बहाब ने भी किया है, उसकी मैम का कैरेक्टर उन्होंने किया है। मैंने इस फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन मैंने किया हुआ है और इस फिल्म में हमने बस यूथ को मैसेज देने की कोशिश की है कि आप जो कुछ भी करो अपने लाइफ में सोच समझ के करो, क्योंकि उससे आपका आने वाला कल इफेक्टेड हो सकता है, या तो आप अच्छा कर सकते हो या बुरा कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इस अवार्ड के बारे में मैं यही कहूँगी कि ये मेरे करियर का पहला अवार्ड है, सो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। मतलब इस अवार्ड को पकड़ के मुझे जो फील हुआ है आज, वो मैं अभी कभी भी शायद वो पहला एक्सपीरियंस मैं कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो यार ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग है इस वक्त, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरी फिल्म मैनी क्वीन के लिए है, जो एक ब्लाइंड लड़के के ऊपर है, उसके इमेजिनेशंस के ऊपर है कि अगर वो एक लड़की को देख नहीं सकता तो वो एक मैनी क्वीन के थ्रू उस लड़की को इमेजिन करता है, उस लड़की को फील करता है, और उसके इमेजिनेशन का लेवल वो क्या होता है वो उस स्टोरी पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अबाउट विक्रांत सर एंड अबाउट गेटिंग द अवार्ड। ओके, सो स्टार प्रोड्यूसर। या सो या दिस इज माय फर्स्ट फिल्म एक्चुअली, सो आई केम अप विद द आइडिया एंड इट इज अबाउट अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक ऑन LGBTQ पीपल एंड वी वांटेड टू पास अ सोशल मैसेज टू द ऑडियंस। And also the topic was very sensitive, so wanted to handle it very gracefully as well. And I had a really good partner with me, a very great director who has been doing film for a long time. So when I narrated the concept to him, like we got a proper writer, and that's how eventually, like after 7-8 months of going back and forth, that's how we finally came up with the whole script, the ideas, and finally we did the film. So yes, first of all, congratulations to Vikrant. Very beautifully organized the whole program and the event and the festival also. And thank you, Filmfare International Short Film Fair. उनके लिए भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम हमारी फिल्म को यहाँ दिखाएं, और उनके तरफ से ये अवार्ड भी आया तो बहुत अच्छा लगा कि एक सेंसिटिव फिल्म को, और जो कि आज का ज्वलंत सब्जेक्ट भी है, और बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना भी था,
और उसका अप्रिसिएशन जब मिलता है तो अच्छा लगता है कि आपकी फिल्म को सराहा गया और बहुत लोगों तक ये मैसेज भी पहुँचे कि वी हैव टू एक्सेप्ट वे द सोसाइटी इज़ मूविंग टूवर्ड्स. ये सबसे बड़ा मैसेज हम देना चाहते थे, द वे द सोसाइटी इज़ मूविंग, इफ़ यू एक्सेप्ट द सोसाइटी द वे इट इज़, देन दैट इज़ द ग्रोथ इन द रियल वे. सो दैट्स वन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Today I am here as a part of this film festival and very happy to receive this award today. And this is an excellent film festival which conveys the short films to the audience and is mainly based on the social cause. My film is Anne Skua Returned Early. I am a doctor and I accompanied the 36th Indian Scientific Expedition to Antarctica. I was selected by Government of India and my film is about Antarctica nature and Indian Scientific Expedition and the climate change. And I am very happy to be a part of this film festival and taking this film to many, many more people. Thank you.